हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 9 के जो क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं पहले, फिर बाकी क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, हाइट 19.6 मीटर। तो ये एक टावर है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर। यहां से हमने स्टोन रिलीज किया है, पत्थर फेंका, तो रिलीज करने का मतलब हमने थ्रो नहीं किया। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। हालांकि आपके 9th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो फ्री फॉल वाले होंगे, फिर भी आपने चीजों को समझना है ताकि जब बड़ी क्लासेस में आए तो आपको क्लियर हो। रिलीज करना मतलब ऐसे छोड़ देना। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, क्योंकि जब हमने छोड़ा ये रुका हुआ था, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंचा। ये हमें पता करना है किसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, और हमें ऑलरेडी मालूम है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, उस फोर्स के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन आती है जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हम इसकी प्लस वैल्यू लेंगे, अगर ऊपर जा रहा होता तो नेगेटिव लेते। हमने अब क्या देखना है, हमारे पास यू बताया हुआ है, वी हमको ढूंढना है, जी बता रखा है और ये बता रखा है। तो अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जो पिछला क्वेश्चन हमने एक दो किए थे वहां से कुछ आपको हिंट मिल रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। ये वाले फॉर्मूले से यहां पे a हो जाएगा g। इसमें v हमने ढूंढना है, u स्क्वायर हमको मालूम है, 2gs बताया हुआ है। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लिए, मैंने आपको बता दिया। तो इसका एक्चुअली v की वैल्यू आपने ढूंढनी है, u की वैल्यू ये है, ये s है और ये g है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, बाकी आप खुद अटेम्प्ट करिए। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अभी देखिए वर्टिकली अपवर्ड एकदम आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। हमने ऊपर फेंका स्टोन, तो यहां पे वेलोसिटी है यू है 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग जी। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने यही वैल्यू लेनी है, 9.8 नहीं लेनी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो आपने ढूंढना है कि जहां पहुंचेगा यो हाइट, या जिसको हम नॉर्मली एस कहते हैं, वो क्या है। तो अभी देखो आपको यू मालूम है, जी मालूम है और ये भी मालूम है, वी इजकल टू जीरो। आपने एस ढूंढना है, एस कर देते हैं इसको। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2gs। यहां पे जी वैक की वैल्यू नेगेटिव लगेगी क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है, तो यहां पे हमने जी की नेगेटिव वैल्यू लगानी है। उसको आप कैलकुलेट करिए, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू लगाइए, वी की वैल्यू लगाइए, यू की लगाइए और जी की लगाइए, तो ऐसा आपको मिल जाएगा। आपने क्या ढूंढना है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, मतलब कितना ऊंचा वो स्टोन गया। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन सन एंड द अर्थ। सन का मास बताया गया आपको, सन का मास है 2×10^30 kg, अर्थ का है 6×10^30 kg।
10^24 kg, 6 × 10^2 × 10 30, उनके जो एवरेज डिस्टेंस है 1.5 × 10^11 मीटर। तो हमने इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सन है, ये धरती है, किस फोर्स से सन धरती को अट्रैक्ट कर रहा है और धरती सन को अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, g × m × m/d² और g की वैल्यू बताई नहीं आपको, याद होने चाहिए 6.673 × 10^-11। तो ये सारी वैल्यूज इसमें लगा देनी है आपने, ये g है, ये सारी वैल्यूज लगा के उसको सॉल्व करना है तो आपको मिल जाएगा, इसके ऐसे बनेगा फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ, 6 × 6 7 × 10^-11 × 2 × 10^24 / 1.5 × 10^11 / 2, क्योंकि फॉर्मूला में डी स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, और आंसर होगा उसका यूनिट होगा न्यूटन्स, कितनी फोर्स से सन धरती को अपनी को खींचता है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करना सीखिए, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के जो क्वेश्चंस होते हैं लगते टिकलिश हैं, बड़े होते बड़े सिंपल हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक बार क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, मुश्किल नहीं होती है कैलकुलेशन। ये 17 क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने वाला है, तो मैं आपको अलग वीडियो बना के समझाऊंगा। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18। 17 हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे। ए बॉल थ्रोन ऑफ वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। एक यहाँ से हम बॉल फेंकते हैं ऊपर तो वो वापस आती है, टोटल टाइम है 6 सेकेंड्स। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में समझा था कि जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो मतलब 3 सेकेंड में ऊपर गई और 3 सेकेंड में नीचे आई, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, यू आपको ढूंढना है यहाँ पे। तो आप भाई आप बोलेंगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत इंफॉर्मेशन है, यू आपने ढूंढना है, वी जीरो है, टाइम बताया हुआ है और जी भी मालूम है हमको 9.8 m/s². ठीक है, हमने v ढूंढना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, नहीं सॉरी हमने वो ढूंढना है u ढूंढना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v जीरो है, u हमने ढूंढना है, g है -9.8 और t है 3 सेकेंड, तो u हो जाएगा 9.8 × 3, 3 × 8 = 24, 2 × 3 = 29, 29.4 meter, ये इसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया
जिसमें यू ए को जगह जी कर देना है। एक्चुअली ग्रेविटेशन के साथ एक क्वेश्चन में आपने ए नहीं लिखना, जी लिखना है, दोनों का मतलब वही है, एक्सेलरेशन। ए नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब धरती की तरफ कोई चीज़ गिर रही है या धरती के ऊपर हम उसको विपरीत दिशा में ऊपर फेंक रहे हैं। उसका दूसरा पार्ट क्या है? द मैक्सिमम हाइट रीचेस, अच्छा ये इसकी वो सॉरी डिस्टेंस नहीं, ये उसकी है इनिशियल वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, इसको ऐसे लिखना है आपने। तो आपने ये डिस्टेंस भी ढूंढना है एस, तो वो भी बड़ा इजी है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो एस यू हमें पता लग गया 29.4, टी है 3 सेकेंड प्लस 1/2, ये जी है -9.8 और टी है 3, ये हो जाएगा 9, 3 3 9, टी स्क्वायर है ना ये। इस फॉर्मूला में यू की वैल्यू लगाई, टाइम 3 सेकेंड है, हाफ फॉर्मूला का है, जी की वैल्यू -9.8 और टी स्क्वायर है 3 × 3 9, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कर रखा है, इसकी वैल्यू आती है 44.1 मीटर, ये डिस्टेंस है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। लेकिन इसमें एक और पार्ट भी है, वो मैं आपको आधा समझा दूंगा। ये दो पार्ट मैंने कर दिया आपको, हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी, हमने ये देख लिया कि कितनी हाइट तक गया। चौथा पार्ट कह रहे हैं कि वो 4 सेकंड के बाद कहां पर होगा। टोटल टाइम लगा था यहां से ऊपर जाने में और नीचे आने में 6 सेकंड, अर्थात नीचे से ऊपर जाने में 3 सेकंड, तो 4 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 4 सेकंड का मतलब यहां से वापस आना शुरू हो गया, तो यहां पर पहुंचा होगा जब 4 सेकंड हुए होंगे। तो ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, 3 सेकंड तक ऊपर गया फिर 1 सेकंड तक नीचे आया, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? पहली इंफॉर्मेशन है कि यू इज ज़ीरो, जब ऊपर से पत्थर नीचे चलना शुरू हुआ तो यू ज़ीरो हो गया। दूसरा हमें मालूम है टाइम 1 सेकेंड, तीसरा मालूम है जी 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये प्लस होगा। तो हमने क्या ढूंढना है? ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है एस, यहां से लेकर यहां तक, चौथे सेकंड के बाद वो यहां तक पहुंचा था, 6 सेकंड में नीचे आ जाएगा। तो एस इज यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, एस यू है 0, तो ये 0 हो जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा कि कितना ये नीचे आया है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉप से कितना नीचे है। अच्छा अच्छा आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, हमें टोटल डिस्टेंस मालूम है तो टोटल से ये निकाल देंगे तो हम कहेंगे जमीन से कितना ऊपर है। ये टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है और ये भी डिस्टेंस मालूम है, इस डिस्टेंस में से इसको घटा देंगे तो हमें पता लगेगा कि जमीन से कितना ऊपर है। इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं,
आप तो ये देख सकते हैं कि ज़मीन से कितना ऊपर है इस टोटल में से, इसको घटा के, या आप बता सकते हैं कि टॉप से वो नीचे कितना आया है, फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड एक्ट। पानी में कोई चीज दबाते हैं तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स, जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो बॉयंट फोर्स हमेशा अपवर्ड होती है। ये पानी का गिलास है, आपने पानी पड़ा हुआ है, इसमें कोई चीज डुबोई तो ये इसका वेट नीचे की ओर जाएगा और पानी इसको ऊपर की ओर पुश करेगा। पानी पुश करता है बाय बॉयंट फोर्स, उसका आंसर होगा अपवर्ड्स। व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 20। एक टैंक है पानी से भरा हुआ है, यहां पर हम एक प्लास्टिक का ब्लॉक रख देते हैं या उसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए किसी चीज से पकड़ा छोड़, ये ऊपर आ जाता है। क्यों आता है? कल हम जब पढ़ रहे थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें आपने समझा होगा कि जो बॉयंट फोर्स है वो अगर इसके वेट से अधिक है तो ये फ्लोट करेगा, ऊपर तैरने लगेगा। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज द बॉयंट फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द प्लास्टिक ब्लॉक इज ग्रेटर देन इट्स वेट, इसके वेट से ज्यादा है ये फोर्स, क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक की डेंसिटी पानी से कम होती है। ठीक है, सिंस द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, द बॉयंट फोर्स अप्लाइड बाई वाटर इज मोर देन वेट ऑफ द ब्लॉक एंड इट फ्लोट्स। इन वाटर प्लास्टिक की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए इस पर जो बॉयंट फोर्स लग रही है उसके वेट से अधिक होती है, ये फ्लोट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों एक जैसे हैं, एक मैं कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है, उसका मास है 50 ग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो कहते हैं बताइए इसको अगर हम डालते हैं पानी में तो ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। देखो इसकी डेंसिटी है 1 क्यूब और इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी है 50/20, इसके मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे
तो ये बन जाएगा 2.25 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम, इसकी डेंसिटी है 2.25 ग्राम। तो जो चीज़ पानी से भारी है, ये पानी से भारी है इसलिए डूब जाएगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, ये 20 cm पानी को डिस्प्लेस करेगा और 20 cm पानी का वेट होगा 20 ग्राम। इसका वेट है 50 ग्राम, पानी का वेट है 20 ग्राम। कौन सा पानी? जो डिस्प्लेस हुआ है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है अगर उसका वेट इसके वेट से कम है तो वो चीज़ सिंक करेगी, डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन भी आप ऐसा ही आप खुद ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा ख्याल, ठीक है। 22 इसका सिमिलर क्वेश्चन है 21 से। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया 17, वो मैं अलग से थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।